हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो दोस्तों यार, मेरा आज ही अमेजोन से ये बुक्स आया है, तो इसके अंदर दोस्तों मैंने एक बहुत ही कमाल की मॉडल कार परचेज किया। तो चलिए गाइस, फटाफट करते हैं। चलिए गाइस, फटाफट अनबॉक्स करते हैं अपनी कार को। तो अपनी कार का बॉक्स अपने कुछ इस तरीके का देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों इसके साथ अपने इसका ब्रांड बॉक्स जो देखने को नहीं मिलता, तो चलिए गाइस फटाफट अपनी कार को बाहर निकाल लेते हैं। उससे पहले दोस्तों, अपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। तो फटाफट यहाँ से अपनी कार को अपन बाहर निकाल लेते हैं। तो यही दोस्तों अपनी कार, तो गाइस अपनी जो कार है वो कुछ इस तरीके की दिखती है। आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे फरारी का मॉडल जो परचेज किया था। चलिए गाइस, मैं इसको बॉक्स के बाहर निकाल लेता हूँ। बॉक्स के अंदर जितने भी चीज़ें थी मैंने सभी बाहर निकाल ली। तो सबसे पहले यहाँ पे इसका रिमोट मिल जाता है अपने को। तो दोस्तों अपना जो रिमोट है 27 MHz की फ्रीक्वेंसी पे चलता है। यहाँ पे इसके अंदर अपने को 5 चैनल देखने के लिए मिल जाते हैं, फ्रंट बैक लेफ्ट राइट। और दोस्तों ये बटन से अपनी जो कार के जो डोर है वो भी ओपन हो जाते हैं। नीचे की तरफ आप देख सकते हो RC डोर ओपन करके लिखा गया है। बैक साइड इसका बैटरी कंपार्टमेंट है। यहाँ पे हमें डब्ल्यू एस की 2 बैटरी इंस्टॉल करनी होती है। तो फटाफट यहाँ इसका कवर लगा लेते हैं और यहाँ पे इसका एक एंटीना मिल जाता है। तो दोस्तों अपनी जो रिमोट की बिल्ड क्वालिटी में काफी ऑसम लगी, आप देख सकते हो काफी अच्छी टाइप का रिमोट है यार। तो रिमोट करता हूँ साइड में। यहाँ पे दोस्तों इसके अंदर अपने को एक चार्जर मिल जाता है, इससे तो अपने फोन को भी आप चार्ज कर सकते हो। तो चलिए गाइस, आप फटाफट में आपको अपनी कार भी बता देता हूँ। यार देख सकते हो कि यार ही चमचमा रही है यार अपनी कार। तो दोस्तों यहाँ पे जो डिटेलिंग जो मेंशन की यार काफी अच्छी लगी मेरे को यार, अपनी जो कार बहुत ही गजब की लगती है। तो गाइस यहाँ पे इसकी जो टायर्स है मेरे को काफी अच्छी लगी, आप देख सकते हो फिनिश काफी अच्छी देख रखी है। ग्रिप भी दोस्तों काफी तगड़ी देखने को मिल जाती है यार अपने को। ओवरऑल दोस्तों यार काफी बढ़िया बात है, अपनी जो कार के अंदर अपने को लाइट्स भी देखने को मिल जाती है। फ्रंट में भी दोस्तों अपनी लाइट जो वर्क करती है बैक में भी करती है। तो गाइस एक और बहुत ही कमाल का फीचर है कि अपनी कार के अपन डोर्स भी ओपन कर सकते हैं। आप देख सकते हो यार काफी कमाल की लगती है यार अपनी कार जब इसके डोर्स ओपन होते हैं। ओवरऑल दोस्तों यार काफी गजब की सी कार है। रेड और ब्लैक का जो कॉम्बिनेशन है मेरे को काफी अच्छा लगा यार। इस कलर की दोस्तों मेरे पास एक भी गाड़ी नहीं थी, इसलिए मैंने इस गाड़ी को परचेस किया था। नीचे की तरफ दोस्तों यहाँ पे इसका एक छोटा सा ओनो स्विच अपने को देखने को मिल जाता है और यहाँ से आप डायरेक्ट अपनी गाड़ी को चार्ज कर सकते हो। देख सकते हो आप कुछ इस तरीके से आपको ये चार्जर लगा लेना है और ये जो पिन आपको सिंपली अडैप्टर में लगा लेनी। तो दोस्तों यार काफी अच्छी बात है यार, बैटरी इनबिल्ट अपने को देखने को मिल जा रही है। तो यार जो अपनी कार की मेरे को बिल्ड क्वालिटी वो भी काफी ऑसम लगी, आप देख सकते हो काफी अच्छी बिल्ड क्वालिटी अपनी कार आ जाती है। तो अपनी कार का थोड़ा सा टेस्ट करके बता देता हूँ। यहाँ पे अपने को सिंपली अपनी कार को ऑन कर लेना है। तो अपनी कार जो ऑन हो चुकी है, तो जैसे मैं अपनी कार को फ्रंट में करूँगा यार इसकी लाइट्स क्या देखना चाहता हूँ। तो दोस्तों इसके अंदर अपने को काफी ब्राइट लाइट्स को देखने को मिल जाती है और स्पीड भी काफी ठीक ठाक ही देख रखी है। और बैक में भी दोस्तों अपने को लाइट्स मिल जाती है। तो जैसे मैं दोस्तों इसका जो सेंटर बटन प्रेस करूंगा यार, इसके डोर जो ओपन हो जाते हैं, आप देखना यार काफी कमाल की लगती है अपनी कार। देख सकते हो आप क्या ही कमाल के खुले हैं यार इसके डोर्स। तो यार डोर्स खुलते हैं तो यार अपनी कार और भी ज्यादा जबरदस्त लगती है। तो यहाँ पे आपको सिंपली इसको बंद करने के लिए ये बटन दबा देना है। तो यहाँ पे दोस्तों इसका लेफ्ट राइट काफी रिस्पॉन्सिव रिमोट अपने को देखने को मिल जाता है। तो चलिए गाइस अब चलते हैं बाहर और करते हैं अपनी फरारी को टेस्ट। तो हे गाइस यार अभी हम आ चुके हैं बाहर। तो यार अपनी जो कार है वो यार काफ़ी कमाल की लगती है। रेड कलर दोस्तों यार इसका धूप में और भी ज़्यादा चमकता है, काफ़ी कमाल की लगती है यार अपनी कार। तो अपन जो इसके डोर्स भी ओपन करके बताने वाले हैं। तो फटाफट इसके डोर ओपन करके मैं बता देता हूँ यार, अपनी कार काफ़ी कमाल की लगती है जब इसके डोर ओपन होते हैं। तो चलिए गाइस अभी अपन फटाफट अपनी कार को टेस्ट करके देख लेते हैं अपनी कार किस तरीके से चलती है। तो गाड़ी यार काफ़ी कमाल की है, तो फटाफट इसका रेंज टेस्ट कर लेते हैं। तो अपनी गाड़ी की रेंज यहाँ पर 27 MHz देखने को मिल जाती है, जिसकी वजह से यार इसकी रेंज ज़्यादा नहीं है, लेकिन ठीक ठाक रेंज है दोस्तों, आप आराम से चला सकते हो इसे। तो यहाँ पे इसका जो टर्निंग रेडियस है यार वो भी काफ़ी कम देकर रखा, आप देख सकते हो कितने छोटे से राउंड में यहाँ पे घूम जाती है अपनी पूरी कार। तो फटाफट इसका जो अपन ब्रेक टेस्ट भी करके देखने वाले हैं। तो गाइस जो इसके ब्रेक्स हैं वो भी यार काफ़ी अच्छे से यहाँ पर वर्क कर रहे हैं। तो गाइस अपनी जो गाड़ी है वो यार काफ़ी कमाल से यहाँ पे चलती है। तो यहाँ पे दोस्तों इसकी लाइट्स मैं आपको बता देता हूँ, लाइट्स यार काफ़ी ब्राइट देख रखी है। बैक लाइट्स भी दोस्तों काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाती हैं। तो डोर्स भी यार काफ़ी अच्छे से यहाँ पे ओपन और क्लोज हो जाती है। ओवरऑल दोस्तों यार काफ़ी बढ़िया अच्छी है। तो फटाफट यहाँ पे इसके मैं स्पीड टेस्ट भी बता देते हैं, इसकी स्पीड भी अपने को ठीक ठाक देखने को मिल जाती है। टर्न यार अपनी जो गाड़ी है बहुत ही अच्छे से ले लेती है, काफ़ी कमाल से चलती है यार अपनी कार। एक बार देखने में तो यार पूरी रियल की कार ही लगती है, इस तरह की कार यार मैंने आज तक नहीं देखी। तो गाइस यार अभी अपनी गाड़ी के लुक्स के बारे में भी थोड़ी बात कर लेते हैं यार। अपनी जो कार है वो लुक वाइज भी काफ़ी खतरनाक लगती है, एकदम रियलिस्टिक टाइप की अपनी कार लगती है। डाईकास्ट मॉडल आप इसे बोल सकते हो, रिमोट कंट्रोल। तो गाइस यार मेरे को अपनी गाड़ी में एक खराब बात लगी यार, अपनी गाड़ी को अपन जरा सभी ऑफ रोड में चला नहीं सकते, क्योंकि जो अपनी गाड़ी ग्राउंड क्लियरेंस यार वो काफ़ी कम दे गई थी, इसी वजह से यार अपनी गाड़ी को ऑफ रोड में चल नहीं सकती। लेकिन जो अपनी गाड़ी प्लेन में यार काफ़ी अच्छे से चल सकती है।
तो दोस्तों यार मेरे को अपनी गाड़ी में एक और बात पता चली कि अपनी गाड़ी को यार अपन चलते चलते इसके डोर ओपन नहीं कर सकते। मेरे को काफ़ी खराब बात लगी है, जैसे मैं इसके डोर ओपन करता हूँ यार तो अपनी कार जो है बंद हो जाती है। तो अपन जो अपनी कार को सिर्फ खड़ा रह के इसके डोर ओपन और क्लोज कर सकते हैं। तो गाइस यहाँ पे मैं अपनी गाड़ी को टेस्ट करने वाला हूँ, मैंने यहाँ पे एक रैंप बनाया है, तो देखते हैं अपनी गाड़ी जो इसको पार कर सकती कि नहीं कर सकती। तो गाइस यहाँ पे अपनी गाड़ी तो यार पूरा अग्रेसिव मोड में आ चुकी है, तो फटाफट इसको चला के देखते हैं। तो अपनी गाड़ी ने यहाँ पे टोटल खींच दी है, तो अब देखते हैं अपनी गाड़ी यहाँ पे चढ़ पाती है कि नहीं चढ़ पाती है। तो दोस्तों यहाँ पे अपनी गाड़ी यार अटक चुकी है, इसके टायर की जगह घूम रहे हैं। तो गाइस अपनी जो गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस है वो काफ़ी कम दिख रखी है, इसकी वजह से जो अपनी कार है वो यार जरा भी नहीं चढ़ पा रही। तो एक बार दोबारा ट्राई मार के देखेंगे। तो गाइस वही सेम बात हुई यार, अपनी जो गाड़ी यहाँ पे ट्रैक्शन पकड़ नहीं पा रही और ना ही यहाँ पे जो अपनी कार अच्छे से चल पा रही है। तो दोस्तों यार अब अपनी कार को अभी मार्बल के ऊपर चला के देखने वाले, तो अपनी कार कैसे चलती है। तो अपनी कार यार मार्बल के ऊपर बहुत ही मक्खन की तरह यहाँ पे चलती है, तो अभी अपन देखने वाले अपनी कार जो ड्रिफ्ट मार सकती है नहीं मार सकती। कोशिश मैं पूरी कर रहा हूँ यार अपनी कार हल्की हल्की यहाँ पे ड्रिफ्ट मार रही है, तो मैं यहाँ पे इसकी जो अभी टायर की ग्रिप है वो भी निकालने वाला हूँ। उसके बाद दोस्तों अपनी गाड़ी से स्टंट परफॉर्म करवाते हैं। तो वैसे तो अपनी कार यार अच्छे से चल रही है, तो मैंने यहाँ पे पिछले टायर की ग्रिप निकाल दी है, तो देखते हैं अपनी कार कैसे चलती है। तो गाड़ी यहाँ पे दोस्तों ठीक ठाक ही चल रही है, पर फटाफट इसे जो है ड्रिफ्ट मरवा के देखते हैं। तो गाड़ी का यहाँ पे दोस्तों व्हील जो है एक ही जगह पे तीन चार बार घूम जा रहा है, तो अगला व्हील यहाँ पे दोस्तों मैंने जाम कर दिया है। तो काफ़ी अच्छे से यहाँ पे अपनी कार जो ड्रिफ्ट मार रही है। तो ओवरऑल दोस्तों यार जो कार है वो यार काफ़ी अच्छी है, लाइट्स भी काफ़ी ब्राइट देखने को हमें मिल जाती है। तो गाइस अगर आप इस कार को बाय करना चाहते हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।